जय हिंद साथी, वापस आए हम आपके अपने ट्यूजल पर। जी हाँ साथी, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की इस वक्त की बहुत बड़ी खबर लेके आए हैं। जैसा कि हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस को लगा एक और बड़ा झटका। दो पूर्व आईएएस समेत सैकड़ों लोगों ने थामा बीजेपी का दामन। जी हाँ साथियों, इन सभी खबरों को जानने के लिए अगर आप चैनल पहली बार वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मेरे द्वारा डालेंगे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। हाँ दोस्तों, आपको बता दें मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव जल्द ही होने वाले हैं, इसको लेकर सभी पार्टियों में घमासान मचा हुआ है। हाँ दोस्तों, वही बात करने वाले मध्यप्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही पार्टी में लगातार कई नेता शामिल हो रहे हैं। वही रविवार को मध्यप्रदेश के पूर्व आईएएस रहे कविंद कियावत और रघुवीर श्रीवास्तव को मुख्यमंत्री सीएम शिवराज और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बीडी शर्मा ने बीजेपी सदस्यता दिलाई है। इसके साथ ही पंगना में 2018 में कांग्रेस में चुनाव लड़ने वाली छाया मोरे ने बीजेपी में शामिल हो गई थी। वही पूर्व न्यायाधीश प्रकाश आई के पूर्व एसडीओपी राम मेड़ा बीजेपी का दामन थाम लिया है, जैसे जबकि पूर्व आईएएस वेद प्रकाश रविंद्र प्रकाश कार्यालय ही नहीं पहुंच पाए हैं। जैसे कि इस प्रकार मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बन सकती है, कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। जय हिंद साथी, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं।